नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत में बगुला ऐसी 10 ज्ञान की बातें बताता है जिसको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। ये 10 बातें ऐसी ज्ञान की बातें हैं, इनको याद रखने वाला बंदा अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, कभी नहीं। एक कहावत आपने हर बार सुनी होगी, बड़े लोग कहते हैं कि जैसे को तैसा, यानी कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। यदि हम किसी अन्य के लिए गलत करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारे साथ भी गलत होता है। आज के संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की खुशी को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो लोग सामने वाले को नीचा गिराने की अपनी फुल ताकत लगा देते हैं, अपनी फुल कोशिश करते हैं। जो लोग एक दूसरे के लिए गड्ढा बनाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी हमें यही सीख देने वाली है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो। कहानी शुरू करने से पहले, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में एक बुगला रहा करता था। वो बुगला बहुत बुजुर्ग हो चुका था। उस बुगले को हजारों यत्न करने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलता था। कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती थी, कोई मछली उस बुगले के हाथ नहीं आती थी। बुजुर्ग बुगला सोचने लगता है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। कई कई दिन तो ऐसे निकलते थे कि बुगले को भूखा रहना पड़ता था। बुगले को कोई शिकार नहीं मिलता, बुगले के कोई भी मछली हाथ नहीं आती और बुगले को भूखा रहना पड़ता। प्रिय दर्शकों, बुगला अब मन में सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए जिसके कारण मछलियां मेरे जाल में फंसे, इस पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु मेरे जाल में फंसे और मैं इनका भोजन कर सकूं। इसी विचार को लेकर बुगला काफी गहन सोच में पड़ जाता है। जब काफी सोचता है तो बुगले को एक आइडिया आता है। बुगला सोचने लगता है कि क्यों न मैं भगवान की भक्ति करने का ढोंग करूं, और जब मैं भगवान की भक्ति करने का ढोंग करूंगा तो ये लोग मेरे पास आने लगेंगे और मुझसे प्रेम करने लगेंगे, और तभी मैं इनको अपने जाल में फंसा कर इनका शिकार करके अपना भोजन बना लूंगा। यही सोचकर बुगला अब एक टांग पे खड़ा हो जाता है, एक पैर पर खड़ा हो जाता है और भगवान का नाम जपने लगता है। जब बुगला भगवान का नाम जपने लगता है तो पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु बुगले को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। सभी जीव जंतु सोचने लगते हैं कि ये बुगला हर रोज हमें पकड़ पकड़ के खाया करता था, लेकिन अब ये भगवान की भक्ति करने लग गया है, हो सकता है इसने शिकार करना बंद कर दिया है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों तक उस पानी में रहने वाले जीव जंतु उस बुगले से दूर रहते हैं, लेकिन बुगला अपनी भक्ति में लीन रहने का सोंग करता है, ढोंग करता है। बुगला पानी में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करता है और एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान की भक्ति करने लगता है। जब काफी समय निकल जाता है तो पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु को उस बुगले पर विश्वास होने लगता है, यकीन होने लगता है। पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये निर्णय लेते हैं कि बुगले के पास जाया जाए या नहीं जाया जाए। पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु मीटिंग करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले कछुए को इस बुगले के पास भेजा जाए। यदि बुगला कछुए के साथ कुछ गलत करता है तो कछुआ बुगले से आराम से बचकर आ सकता है, क्योंकि कछुए का जो बदन होता है, शरीर होता है, पत्थर जैसा होता है, और जब कछुआ अपने मुंह, अपने पांवों को, अपने हाथों को अंदर ले लेता है उसके बाद बुगला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले बुगले के पास कछुए को भेजने का निर्णय लेते हैं और कछुआ बुगले के पास जाता है। कछुआ बुगले के पास जाकर अपने हाथ और अपने मुंह और अपने पैर को अपने खोल के अंदर घुसा करके और बुगले से बात करता है। बुगले से कहता है कि बुगला भाई, ऐसी क्या बात है, आप हर रोज मछलियों का शिकार करके खाते थे लेकिन आज आप भगवान की माला जप रहे हैं, क्या बात है।
वो बुगला कछुए से कहता है कि बुगला भाई, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनगिनत पाप किए हैं। न जाने कितनी मछलियों को अपना शिकार बनाया है, न जाने कितने जीव जंतुओं का शिकार करके और भोजन बना के खा गया हूं। इसलिए मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं और मैं आज के बाद किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करूंगा। बुगला इतनी बात कछुए से कहता है। बुगले की इतनी बात सुनने के बाद कछुआ वापिस पानी के जीव जंतुओं के पास जाता है और उन सभी से यह संदेश देता है कि बुगला आजकल भगत बन गया है और बुगला किसी का भी शिकार नहीं करेगा। तुम सभी बड़े आराम से बुगले के पास जा सकते हो। उसके बाद पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु एक एक करके बुगले के चारों तरफ मंडराने लगते हैं, बुगले से बात करते हैं, बुगले के पास उठना बैठना शुरू हो जाता है। कुछ समय तक बुगला उनसे बात करता है, उनके साथ अच्छे से पेश आता है, हंसी खुशी रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद बुगला मौन हो जाता है। ऐसे दिखने लग गया मानो बुगले को कोई बड़ी भारी चिंता सता रही हो। इस तरीके से बुगला उदास होने का शौक करता है। बुगले ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और बिल्कुल उदास हो गया मानो कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बुगले को इस तरह उदास देखने के बाद उस पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु बुगले के पास आते हैं और बुगले से कहते हैं कि बुगला भाई, कुछ समय पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, हंसी खुशी थे, सभी से हंस के बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बड़े उदास हो गए हो? ऐसी कौन सी आफत आने वाली है कि तुम इतने उदास हो रहे हो? बुगला उन सभी जीव जंतुओं को जवाब देता है और कहता है कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं और मेरी दिव्य दृष्टि से मैं ये देख सकता हूं कि कुछ दिनों बाद इस तालाब का पानी सूखने वाला है और जब ये पानी सूख जाएगा तो इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतु बहुत परेशान हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी चिंता को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं और मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि इस तालाब का पानी सूखने के बाद इन जीव जंतुओं का, इन मछलियों का क्या होगा, इसीलिए मैं बड़ा दुखी हूं। बुगले की इतनी बात सुनने के बाद पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु, मछली, सभी जीव जंतु बहुत परेशान हो जाते हैं और बुगले से कहते हैं कि बुगला भाई, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। यदि इस तालाब का पानी सूख जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। सभी बुगले से कहते हैं कि बुगला भाई, आप ही कुछ कर सकते हैं। जब आप अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद इस तालाब का पानी सूखने वाला है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसका बचाव क्या किया जाए। प्रिय दर्शकों, अब बुगला अपनी चतुराई खेलता है और बुगला कहता है कि अब सिर्फ एक उपाय है। यहां से कुछ दूरी पर एक बड़ा तालाब है और उसमें बहुत सारा पानी है, उसका पानी कभी नहीं सूखने वाला। यदि आप सब लोग वहां चले जाएं तो सभी के प्राण बचाए जा सकते हैं। बुगला इस बात को उस पानी के जीव जंतुओं से कहता है। उस पानी के सभी जीव जंतु बुगले से कहते हैं कि बुगला भाई, आप तो उड़ करके जा सकते हैं, आपके तो पंख हैं, लेकिन हमारे तो कोई पंख नहीं है, हम किस तरह वहां तक पहुंचेंगे? बुगला फिर अपनी चतुराई से कहता है कि आप लोग चिंता ना करो, मैं आपको अपनी चोंच में पकड़कर एक एक को उस तालाब तक छोड़ दूंगा और आप सभी का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बुगले की इस बात को सुनकर पानी में रहने वाली सभी मछलियां और सभी जीव जंतु कुछ चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर बुगले पे विश्वास करने लग जाते हैं। कछुआ कहता है कि बुगला भगवान का भक्त बन चुका है, आप चिंता ना करो, इसने अब शिकार करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब से ये भक्ति करने लगा है, जब से इसने किसी का भी शिकार नहीं किया, इसलिए आप कोई भी चिंता ना करो। कछुआ सभी मछलियों को और सभी जीव जंतुओं को ऐसे विश्वास दिलाता है। सभी मछलियां और सभी जीव जंतु बुगले पर विश्वास करते हैं। अब बुगला मछली को अपनी चोंच में पकड़ता है और वहां से उड़ान भरता है। उड़ान भरकर काफी दूर जाता है और एक पहाड़ी पर उस मछली को ऊपर से गिरा देता है। जब मछली उस पहाड़ी पर गिरती है तो मछली की मृत्यु हो जाती है। अब बुगला नीचे उतरकर उस मछली का भोजन बना लेता है, उस मछली को खा जाता है।
फिर बगुला उसी तालाब में वापिस आ जाता है और बचे कुचे मछलियों से और जीव जंतुओं से कहता है कि मैं उस मछली को बड़े तालाब में छोड़ के आया हूं और वो अपना जीवन मजे से गुजार रही है। फिर दूसरी मछली को पकड़ता और वहां से उड़ान भरता और उसी पहाड़ी पे ले जाके उसको ऊपर से गिराता। जब वो ऊपर से गिरती तो पत्थर पे टकरा के मछली की मृत्यु हो जाती। फिर नीचे उतरकर उस मछली को भोजन बना के खा जाता। प्रिय दर्शकों, बुगला अब धीरे धीरे सभी मछलियों को इसी तरीके से खाने लगा। सभी जीव जंतुओं को इसी तरीके से बुगला अपना भोजन बनाने लगा। अब तो बुगला बड़ा खुश हो रहा था। बुगले को बड़ी खुशी हो रही थी कि सभी मछलियां अब मेरे जाल में फंस गई हैं। उस पानी के सभी जीव जंतु मेरे जाल में फंस गए हैं, अब एक भी नहीं बचेगा, सभी का मैं भोजन बना लूंगा। समय की बात है, एक दिन एक बड़े सारे केकड़े का नंबर आ जाता है। बुगला कहता है कि केकड़ा भाई, चलने के लिए तैयार हो जाओ। केकड़ा इतना बड़ा था कि बुगले की चोंच में नहीं आ सकता था, तो केकड़ा बुगले की गर्दन के लपट जाता है और बुगला वहां से उड़ान भरता है। जब बुगला उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो केकड़े से कहता है कि केकड़े नीचे देख, उस तालाब से मैं जितनी भी मछलियों को लेके आया हूं उन सभी को इस पहाड़ी पर गिरा के मैंने मार दिया है और उनका भोजन बना करके मैं खा गया हूं। नीचे देख, सभी मछलियों के हड्डी पसली पड़ी हुई है। इतनी बात वो बगुला उस केकड़े से कहता है। जब बगुला इतनी बात उस केकड़े से कहता है तो केकड़े को भारी गुस्सा आने लगता है और केकड़ा बुगले की गर्दन को दबा देता है, अपने पंजों से, अपने नाखूनों से बुगले की गर्दन को दबा देता है और बुगला चिल्लाता है, हाय हाय करता है। बुगला कहता है, केकड़ा मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं किसी भी मछली का शिकार नहीं करूंगा, बस अब की बार मुझे बकस दे। लेकिन केकड़ा उसे छोड़ने वाला नहीं था। बुगला घायल होता हुआ उसी पहाड़ी पर आके गिरता है जिस पहाड़ी पर उस बगुले ने अन्य मछलियों को गिरा के मारा था। उसी पहाड़ी पर आकर के वो बगुला गिरता है। वो बुगला केकड़े से विनती करता है, केकड़ा मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं किसी का भी शिकार नहीं करूंगा। बगुला केकड़े से कहता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तो तुम सबका है जो तुम लोगों ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास किया। तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास कर ही कैसे लिया? यदि मैं शिकार नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? ये मेरा जन्मजात काम है, लेकिन मूर्खता तुम लोगों की है जो तुम लोगों ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास किया। इतनी बात बुगला उस केकड़े से कहता है और बुगला अंतिम समय में ऐसी 10 बात बताता है और केकड़े से कहता है कि अपने जीवन में इन 10 बातों को संजो के रखो, इन 10 बातों को हमेशा याद रखो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। बुगला कहता है, पहली बात, जो नशे में मतवाला हो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, उस पर कभी भी यकीन मत करना। दूसरा, असावधान, जो असावधान हो उस पर भी कभी यकीन मत करना। जो खुद ही असावधान है वो दूसरे को सावधान क्या करेगा, इसलिए असावधान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास मत करना। तीसरा, पागल, जो पागल होता है उस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो लोग पागल पर यकीन करते हैं वो उस पागल से भी ज्यादा पागल होते हैं, मूर्ख से भी सवा मूर्ख कहे जाते हैं, इसलिए पागल पर कभी भी विश्वास मत करना। चौथी बात, भूखा पर, भूखा व्यक्ति पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। बगुला कहता है कि जिस तरीके से मैं भूखा था और मुझ पर तुम लोगों ने यकीन किया, इतनी सारी मछलियों को मैंने मार गिराया और अपना शिकार बना लिया, इसलिए भूखे पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी का भी शिकार कर सकता है, इसलिए भूखे पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पांचवा, क्रोधी, जो व्यक्ति क्रोधी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। क्रोध में कहा हुआ हर शब्द झूठ होता है, क्रोध में कभी भी सच नहीं निकलता, इसलिए क्रोधी पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। क्रोध में आप किसी को कुछ भी वचन दे सकते हो, लेकिन वो वचन आप कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए क्रोधी की बातों पर कभी यकीन मत करना। छठा, जल्दबाज, जो व्यक्ति जल्दबाज हो उसकी बातों पर भी कभी यकीन नहीं करना। जो जल्दबाजी करता है वो हमेशा ठगा जाता है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति
हमेशा मात खाता है। जल्दबाज करने वाले का हमेशा पतन होता है, इसलिए जल्दबाज पे कभी भी विश्वास मत करना। सातवां, लोभी। लोभी पर भी कभी यकीन मत करना। जो लोग लोभी होते हैं, अपने लोभ को पूरा करने के लिए वो किसी का भी गला काट सकते हैं, इसलिए लोभी पर कभी यकीन मत करना। भूल कर भी लोभी व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना। आठवां, जो भैसे ग्रस्त हो, यानी भयवी, जो भयग्रस्त इंसान हो, ऐसे पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि भयग्रस्त इंसान पर यदि आप यकीन करोगे तो वो आपको भी ले डूबेगा, इसलिए भयग्रस्त इंसान पे कभी भी विश्वास मत करना। नौवां, कामी। कामी व्यक्ति पे कभी भी विश्वास मत करना। जिन लोगों में कामसूत्र की ज्यादा भावना हो, जो लोग कामी हो, ऐसे लोगों पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। दसवां और सबसे आखिरी बताता है बुगला, कहता है केकड़ा, दरिद्र पे कभी यकीन मत करना। जो लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, दरिद्रता उनके नसीब में है, दरिद्रता उनके घर में छाई हुई है, ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। जो लोग दरिद्रता में डूबे रहते हैं, वो अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी गला काट सकते हैं, इसलिए दरिद्र पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। वो बुगला मरते वक्त केकड़ा को ये 10 काम की बात बताते हैं और कहता है कि केकड़ा, अपने जीवन में इन 10 बातों को हमेशा याद रखना। यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो इन 10 बातों पर हमेशा अमल करना। प्रिय दर्शकों, ये 10 बातें हर इंसान के जीवन में भी काम देती हैं। इन 10 बातों को संजो के रखने वाला व्यक्ति, हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इन 10 ज्ञान की बातों से आप अपने जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे और आप कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।